नहीं सर। दिखा है तो देखो, एक एग्जांपल हम लोग के पास है। यूज द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। एलपीपी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 15x1 प्लस 10x2 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स। फर्स्ट है 4x1 प्लस 6x2 लेस देन और इक्वल टू 360। सेकेंड है 3x1 प्लस 0 इंटू एक्स टू लेस देन इक्वल टू 180। थर्ड है 0 इंटू x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 200 एंड x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, ग्राफिकल मेथड से मतलब ग्राफ बना के हम लोग को इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन द गिवन एलपीपी इज इन मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब पहला देखो, जो 4x1 प्लस 6x2 हमारा लेस देन और इक्वल टू 360 है, तो 360 से डिवाइड कर दें अगर दोनों साइड में, तो x1 4x1 बाई 360 प्लस 6x2 बाई 360 इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इक्वल टू 1 ले लो। इक्वल टू 1 लेके हमारा एक स्ट्रेट लाइन ये बनेगा, ये दिस इज योर x1 एक्सिस, ये x2 एक्सिस, ये बनेगा x1 बाई 90 प्लस x2 बाई 60 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हम लोग का बन गया। और सेकेंड इनइक्वालिटी 3x1 प्लस 0x2 लेस देन इक्वल टू 180 से ये तो 0 है, खत्म हो गया। x1 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 60, यानी x1 इज इक्वल टू 60 हमारा ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो गया जो कि x1 एक्सिस पे परपेंडिकुलर है फ्रॉम O टू A, ये 60 0 का कोऑर्डिनेट हो गया। थर्ड लाइन है 0x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 200, तो 0 इंटू x1 है यानी कि 0 खत्म हो जाएगा। 5x2 लेस देन इक्वल टू 200 x2 हो जाएगा लेस इक्वल टू 40, तो x2 इज इक्वल टू 40 वाली ये लाइन हो गई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और पैरेलल टू x1 एक्सिस है। तो ये लाइन y x2 एक्सिस को काटती 0 40 पे और x1 इज इक्वल टू 60, x1 एक्सिस को काट रही 60 0 पे, और जो लाइन है ये x1 बाय 90 प्लस x2 बाय 60 इज इक्वल टू 1, ये काट रही है x1 को 90 0 पे और x2 को 0 60 पे। ठीक, तो वही इनइक्वालिटी यहाँ पे हम फिर से लिख दिए हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझे। कोई समस्या है तो पूछो मुझे। नहीं है, देखो द सोल्यूशन रीजन इज ओ ए बी सी डी ओ। जो ये तुम्हारा रीजन बन रहा है शेडेड रीजन, ओ ए बी सी डी और ये ओ, ये हमारा सोल्यूशन रीजन हो गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर, ओ का कोऑर्डिनेट होगा 0 0 ओरिजिन है, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 60 0, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है, दिस पॉइंट बी इज योर 60 एंड 20। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन को x1 इज इक्वल टू 60 के साथ सॉल्व करना है। तो x1 इज इक्वल टू अगर 60 रखेंगे तो ये तुम्हारा आ जाता है 60 एंड 20। ठीक है, x1 इज 60 एंड x2 इज 20, ये आ जाता है हमारा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट सी है, सी इज योर 30 40। सी को सॉल्व करेंगे किससे, x2 इज इक्वल टू 40 और इस स्ट्रेट लाइन से, यानी कि 3 और 1 को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट सी मिलेगा हमें। नेक्स्ट दिस पॉइंट इज डी, दिस इज 0 40 एंड दिस इज 0 0। ठीक, द शेडेड एरिया ओ ए बी सी डी ओ इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। इसको हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन दिस रीजन x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखो, जो स्ट्रेट लाइन है फर्स्ट लाइन, इसके नीचे के पॉइंट्स और ओरिजिन से ऊपर के पॉइंट जितने हैं ये सभी हमारे फिजिबल रीजन में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें और भी कंडीशंस को देखना है, इसलिए फिजिबल रीजन ओ ए बी सी डी ओ ही हुआ हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंस इट सेटिस्फाइज ऑल द कांस्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन स्पेस भी इसको बोलते हैं। नाउ जेड एट ओ, ओ पर हमको जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड मीन्स मैक्सिमाइज जेड, जो फर्स्ट फंक्शन था सबसे पहले हमारा, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 15x1 प्लस 10x2। ओ मीन्स x1 0 x2 0 है, तो जेड एट ओ हो जाएगा 0 हमारा। तो वही है जेड ओ इज इक्वल टू 0, जेड ए है, यानी जेड ए पॉइंट ए 60 0 है, तो 60 0 रखेंगे, तो 60 रखेंगे 15 इंटू 60 प्लस जी 10 इंटू 0, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 900, यानी कि जेड एट ए इज 900। सिमिलरली जेड एट बी इज 1100, जेड सी 850 एंड जेड डी 400। और हमारा टारगेट क्या है, वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमाइज जेड। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज एट बी, यानी जेड बी इज इक्वल टू 100, सो मैक्सिमम वैल्यू इज एट बी, बी मीन 60 एंड 20।
Therefore, the maximum value of Z occurs at the point B, 60, 20. Thus, the optimal solution to the given LP is X1 is equal to 60 and X2 is equal to 20 and maximum of Z is equal to 1100. ठीक, ये हमारा एक example हो गया. इसी तरह का एक question है. Use the graphical method to solve the following LP problem. Maximize Z is equal to 2X1 plus X2 subject to X1 plus 2X2 less than or equal to 10. X1 plus X2 less than or equal to 6, X1 minus X2 less than or equal to 2, X1 minus 2X2 less than or equal to 1, and X1 greater than or equal to 0, X2 greater than or equal to 0. ठीक, तो इसको नोट करो, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो इसको. यस सर, बोल दीजिए. देखो क्वेश्चन टू है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू सब्जेक्ट टू फर्स्ट x1 माइनस x2 लेस देन और इक्वल टू 1, सेकंड है माइनस 0.5 x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2 एंड x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन 2 है. क्वेश्चन 3 है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू 5x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12. And x1 greater than or equal to 0, x2 greater than or equal to 0. Third है, minimize z is equal to 200x1 plus 400x2 subject to x1 plus x2 greater than or equal to 200, x1 plus 3x2 greater than or equal to 400, x1 plus 2x2 less than or equal to 350. ये mixed type है, इसमें देखो greater than or equal to का भी है और less than or equal to type का भी है. And x1, x2 both are greater than or equal to 0. Four है, minimize z equal to 5x1 plus 8x2 subject to x1 less equal to 4, x2 greater than equal to 2, x1 plus x2 is equal to 5 and x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0. अब no unique or single feasible region, देखो इसमें इस तरह कुछ आएगा, देखना. An LP problem sometimes may have an infinite solution. Such a solution is called an unbounded solution. नहीं, infinite solution उसमें मिलेगा, जैसे उसका example है ये. Maximize z equal to 3x1 plus 2x2 such that x1 minus x2 greater than or equal to 1, x1 plus x2 greater than or equal to 3, and x1 greater than or equal to 0, x2 greater than or equal to 0. Infeasible solution, when there is no unique feasible solution space. जब इस example का तुम बनाओगे, feasible space बनाओगे तो feasible space नहीं मिलेगा. Maximize z is equal to 6x1 minus 4x2 such that 2x1 plus 4x2 greater than or equal to 4, 4x1 plus 8x2 greater than or equal to 16, and x1, x2 both are greater than or equal to 0. अब एक कॉन्सेप्ट है रिडंडेंट का, कांस्टेंट इज रिडंडेंट और अननेसेसरी इफ इट डज नॉट अफेक्ट द फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस. यानी कि कांस्टेंट अगर एक्स्ट्रा हम डाल दें उसमें, जिससे कि फिजिबल स्पेस सॉल्यूशन स्पेस हमारा प्रभावित नहीं होगा, जो हम कहेंगे उसको कि रिडंडेंट है, मतलब अनावश्यक है. तो ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग की प्रैक्टिस के लिए है, इनको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हैं. अब तुम अपना बंद करो निर्मला, तुम्हारे आवाज आ रही है. देखो एक और एग्जांपल है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 300x1 प्लस 400x2 सब्जेक्ट टू 5x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 200, सेकंड है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 150, 5x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 8x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक, अब देख लेते हैं जीएलपीपी. जीएलपीपी मींस जनरल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ये तुम्हारा यूनिट 2 का कुछ पोर्शन है. The general structure of an LPP has first decision variables. These are denoted by x1, x2, x3 and so on, xn. Second, the objective function. The problem is of the type maximization or minimization based on profit, cost, revenue, distance, time, manpower, etc. Third, the constraints. These are also called limitations on the use of available resources. Fourth, non-negative restrictions. है, the decision variables are always taken as non-negative. That is, x1 greater than or equal to 0, x2 greater than or equal to 0, and so on. ठीक है, तो ये चार main point है जो कि एक general linear programming problem में होना चाहिए. कौन कौन सा? Decision variable, objective function, constraints और non-negative restrictions. अब इसके बाद इसका model देख ले हम लोग. The GLPP, general linear programming problem or model is as follows. क्या है? मैक्सिमाइज जेड और मिनिमाइज जेड इक्वल टू सी वन एक्स वन प्लस सी टू टू प्लस वन प्लस सी एन एक्स एन. ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और हम बता देते हैं इसको, धीरे धीरे लिखवा देंगे उसको. इसके बाद है तुम्हारा, इसमें जो जो कंडीशन है वो देख लें हम लोग. इसमें कंडीशन है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स
a1 x1 plus a1 2 x2 plus a1 plus a1 n x n greater than equal to or less than equal to or equal to b1 a2 1 x1 plus a2 2 x2 plus a1 plus a2 n x n greater than equal to or less than equal to or equal to b2 and so on am1 x1 plus am2 x2 plus a1 plus a2 n x n greater than equal to or less than equal to or equal to bm. ये m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं, ठीक. नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या हो गए, x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0 and so on, xn greater than equal to 0. The first is called an objective function, the second are called linear constants and the third are non-negative restriction. Above model can also be written in short as maximize or minimize z is equal to summation 1 to n cj xj such that or subject to the constant summation j is 1 to n aij xj greater than equal to or less than equal to or equal to bi, I is varying from 1 to m and xj is greater than equal to 0, j is varying from 1 to n. Here x1, x2, so on, xn, they are decision variables. C1, C2, Cn are per unit profit or cost of decision variables. Aij is equal to the amount of resource I consumed per unit of variable xj. And bi is equal to the total availability of the ith resource. इसके बाद है इसमें थोड़ा सा और. टू फॉर्म ए मॉडल वी शुड आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स केयरफुली, फॉर्मुलेट द कॉन्स्टेंट्स एंड फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इन तीन बातों को मेन हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा जिससे कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकें. देखो इसको फिर से